हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका बॉय लौट आया हूं एक और नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुशोकु तेंसे या जॉबलेस रीइंकार्नेशन के बारे में। मैं जानता हूं कि आप सब इस वीडियो के लिए काफी टाइम से रुके थे और फाइनली ये वीडियो आ चुका है, तो आई होप दिस वीडियो वर्थ द वेट। अगर आप मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आई एम नॉट अ ह्यूज इसेकाई फैन। तेरी हिम्मत खड़ा नहीं हो रहा। एनीवेज, उसका रीजन ये नहीं है कि मैं एक एजी एलिटिस्ट हूँ जो सिर्फ 1998 से पहले आए हुए एनिमे को ही गोल्डन एरा मानता है और उसके बाद आया एनिमे को एनिमे का डाउनफॉल। नहीं, बल्कि मुझे इसेकाई एनिमे ज़्यादातर पसंद नहीं आते क्योंकि मुझे लगता है कि वो काफ़ी क्लीशे और काफ़ी रेपिटेटिव होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि सारे इसेकाई बुरे नहीं होते, कई सारे इसेकाई काफ़ी अच्छे भी हैं, जैसे रे जीरो या लॉग होराइजन। पर इन दोनों शोज की बात अलग है। दिस शोज आर बिल्ट डिफरेंट। ये इसेकाई होने के बाद भी इसेकाई से काफ़ी अलग है। और वहीं दूसरी जगह आता है मुशोकु तेंसे। मुशोकु तेंसे हमारा वही टिपिकल इसेकाई है जिसमें वही टिपिकल इसेकाई ट्रोप्स हैं, पर वो इन सबको इतने अच्छे से कैरी आउट करता है कि ये शो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और इसे डिस्क्राइब करने के लिए मेरे मन से एक ही आवाज़ आती है, OP। मैं जानता हूँ कि जब मैंने इसे टिपिकल इसेकाई कहा तो आप में से कुछ लोग ट्रिगर हुए होंगे, तो उन्हें बता दूँ कि एनिमे की बात करें तो हाँ, ये कंसेप्ट काफ़ी फ्रेश है क्योंकि ऐसे कंसेप्ट वाले इसेकाई एनिमे आज तक नहीं आए थे। पर अगर आपने इसेकाई मांगा पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि हर तीसरा इसेकाई मांगा ऐसा ही होता है। और कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ, पर ये ऐसा करने वाला पहला था, तो उसके लिए मैं इसे क्रेडिट देने के लिए रेडी हूँ अगर ये पहला सच में था तो। पर अगर ये पहला था भी तो उससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि ये चीज़ अब यूनिक नहीं रही है क्योंकि इसे काफ़ी सारे लोगों ने कर दिया। एक 34 साल का शटिन नीट, जिसे उसी के पेरेंट्स के डेथ के बाद उसी के घर से निकाल दिया जाता है, वो रोड पे घूम रहा होता है जब वो देखता है कि एक ट्रक कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इसेकाई करने वाला होता है। और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, तो वो उन्हें धक्का मार के खुद ट्रक के सामने आ जाता है। हाउ सेल्फिश। एनीवेज, उसकी ये विश पूरी होती है और वो इसेकाई वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ स्वॉर्ड एंड मैजिक एज रूडियस ग्रे रैट। और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है पुरानी लाइफ के मेमोरीज और ट्रॉमास के साथ। और मुझे ये बात इसमें काफ़ी पसंद आई कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसे ही नहीं इसेकाई हो गया और पुरानी लाइफ के बारे में पूरी तरीके से भूल गया। उसके पास्ट का ट्रॉमा कई टाइम तक उसके साथ रहता है और रूडियस धीरे धीरे उससे ओवरकम करता है। मुशोकु तेंसे किसी इसेकाई हुए बंदे के हेरम कलेक्ट करने की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये स्टोरी है एक इसेकाई वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुए बंदे के एडवेंचर्स की। अगर मुशोकु तेंसे के USP की बात करें तो डेफिनेटली इसका ब्यूटीफुल एस्थेटिक और अमेजिंग एनिमेशन इसके प्लस पॉइंट्स है। आई मीन, जस्ट लुक एट दिस एक्शन सीन्स। मुझे बचपन से ही RPGs और MMOs बहुत पसंद थे और मैं विश करता था कि काश ये रियल लाइफ में आ जाए, या एटलीस्ट मुझे ये स्टोरी को या इस वर्ल्ड को मोशन में देखने मिले। और यही इसेकाई के पीछे कंसेप्ट और उसका अपील है। और मुशोकु तेंसे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। इट इज जस्ट व्हाट एन इसेकाई एनिमे शुड बी लाइक। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे मोस्टली इसेकाई एनिमे से होती है, वो ये है कि अक्सर इसेकाई एनिमे में हमारा MC इसेकाई में समन हो जाता है या रीइंकार्नेट हो जाता है और इसेकाई वर्ल्ड को इतना अच्छा फैंटेसी और एडवेंचर से भरा दिखाते हैं, लेकिन कभी उन लोग उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं करते। हमें नहीं पता इसेकाई वर्ल्ड कैसा है या उसमें क्या हो रहा है, हमें सिर्फ वही पता चलता है जो हीरो के सराउंडिंग में हो रहा होता है। और ये एक ऐसी चीज लगती है मुझे कि ये तो उन्हें करना ही चाहिए। एक तरह से तुम इसे का वर्ल्ड दिखा रहे हो, पर तुम हमें वो वर्ल्ड ही नहीं दिखा रहे हो। और मुशोकु तेंसे इस पे बहुत अच्छे से कैपिटलाइज करता है। सेकंड सीजन तो इस मामले में और ही OP था। सेकंड सीजन में एक सीन है, बहुत ही सैड सीन है, मुझे काफी सैड लगा जब एरिस रूडियस के साथ वन नाइट स्टैंड करके उसे छोड़ के चले जाती है और वो रोता है। मुझे उसके लिए इतना बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि काश मैं उसकी जगह ले पाता और उसका ये गम अपने सर पे ले पाता। काश। बाय द वे, मैंने इसका मांगा भी पढ़ा और वो काफ़ी मह था क्योंकि ओरिजिनली मुशोकु तेंसे एक लाइट नोवेल से लिया है। और अगर आपने कोई लाइट नोवेल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि लाइट नोवेल प्रिटी मच रेगुलर नोवेल जैसा ही होता है, जिसमें स्टोरी लिखी होती है बिना सीन्स इलस्ट्रेशन के, तो उससे रीडर्स अपने इमेजिनेशन को वाइल्ड जाने दे सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को और कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं।
आई लव रीडिंग मांगा बट आई रियली लव दिस एस्पेक्ट ऑफ नॉवल्स एंड लाइट नॉवल्स। आई थिंक इट्स कूल कि कैसे सेम मटेरियल पढ़ के दो लोग के मन में सेम चीज का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। मांगा में सेम स्टोरी के नॉनशेलेंट और वाओ आई गॉट इसेकाई फैक्टर पे फोकस किया है और एनीमे में फोकस किया है रूटियस के ग्रोथ एज अ पर्सन और एडवेंचर इन इसेकाई वर्ल्ड पे। जब मैंने इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करनी शुरू की थी तो मैं सोच रहा था कि मैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन जैसे मैं स्क्रिप्टिंग करने बैठा तो मेरे मन से इसके नेगेटिव्स जाने लगे। मुशोकु तेंसे इज नॉट रियली अ परफेक्ट शो बट देन अगेन वॉट इज। मुशोकु तेंसे इज अ परफेक्टली एंजॉयबल शो रिगार्डलेस ऑफ वॉट योर मूड इज। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की है किसी वीडियो के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए